हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी मटर की ड्राई सब्जी। तो हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर्दियों में गोभी और मटर दोनों ही बहुत फ्रेश होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सर्दियों में आलू गोभी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए हमने ये तीन टमाटर, तीन छोटे प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और 250 ग्राम गोभी ले ली है। और इसमें ऐड करने के लिए हमने 3 से 4 आलू भी लिए हैं। तो हमने आलू को भी क्यूब्स की शेप में कट करके रख लिया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आलू भी हमने वॉश करके कट करके रख लिए हैं। अब इसके बाद हमें रेसिपी स्टार्ट करनी है और हमें गोभी को भी बड़े पीसेस में ही काटना है, तभी हमारी गोभी की सब्जी एकदम खिली खिली और बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सारे मसाले ले लिए हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, इसके साथ हमने ये टमाटर चॉप कर लिया है, हमने अपनी प्याज, हरा धनिया सब कुछ, और अपनी धनिया हमने गोभी को भी चॉप करके रख लिया है। हमने गोभी को बड़े पीसीज में काटा है ताकि ये घुले ना और आलू और गोभी की ड्राई सब्जी एकदम सूखी सूखी और टेस्टी बने। तो यहाँ पर हम अपने स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हमने यहाँ पर कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। अभी तब तक हमारा जीरा भुनेगा, उसी टाइम हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने हींग ऐड कर दी है। जीरा और हींग को हम लोग एक साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जीरा और हींग भुन रहा है। जैसे ही हमारा जीरा थोड़ा सा ब्राउन होना स्टार्ट होगा, इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर एंड चॉप्ड गार्लिक। तो हमने यहाँ पे जिंजर एंड चॉप गार्लिक डाल दिया है। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक हमें भूनना है, ज़्यादा भी डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का ब्राउन ही रखना है। जब हमारा ये लहसुन और अदरक अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो हमें यहाँ पर फिर चॉप्ड अनियन भी ऐड कर देनी है। तो हमने ये कटा प्याज भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसको भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें ये सारे मसाले गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने हैं ताकि इनमें से सारी अदरक और जो हमने लहसुन ऐड किया है उसकी स्मेल भी निकल जाए और इनका अच्छे से टेस्ट भी इसमें उभर कर आए। हमें ये प्याज और लहसुन और अदरक को कच्चा नहीं रखना है, इसको अच्छे से भून लेना है। जब हमारा मसाला भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करना शुरू करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और इसमें ग्रीन चिलीज भी हमने जो चॉप करके रखी थी वो भी साथ में ही ऐड कर दी है। अब हमें यहाँ पर टमाटर को इसमें मिक्स कर देना है और अब हमें टमाटर को भी भूनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टमाटर भुन रहा है, साथ में हमने मसाले ऐड करना शुरू किए। सबसे पहले हमने लाल मिर्च ऐड कर दी है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने फिर नमक ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च ऐड की है, जिससे इसमें स्पाइसी टेस्ट आता है और बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है ये सब्जी। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चटपटी सब्जी नहीं पसंद है तो आप ये तीखी लाल मिर्च ना डालें। बस अब हमें ये सारे मसाले इसमें ऐड करके भून लेने हैं और तब तक हमें इस मसाले को भूनना है जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे साइड में। अब इसने अपना मसाले ने तेल छोड़ना साइड में स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला भून के रेडी है। अब हम इसमें अपनी कटी हुई सब्जियां डालना स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग आ गया है हमारे मसाले का। तो हमने यहाँ पर सब्जियाँ ऐड करनी शुरू की हैं। सबसे पहले हमने गोभी ऐड कर दी है। गोभी ऐड करने के बाद हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे।
तो हमने यहाँ पर अपनी कटी हुई सब्जियों को मसाले में डाल दिया है। अब हम इस सारी सब्जी को मिक्स करेंगे ताकि हमारा सारा मसाला इस सब्जी में मिक्स हो जाए। पूरी सब्जी को हमें मसाले से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, सर्दियों में जो मटर आती है ताज़ी ताज़ी, वही यहाँ पे यूज़ करें। वो बहुत मीठी भी होती है और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम यहाँ पर मटर ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मटर ऐड करने से पहले हम अपनी सब्जी को इस मसाले के साथ भुनने देंगे। इसको थोड़ी देर अराउंड 1 से 2 मिनट के लिए सारी मसालों को सब्जी के साथ भुनने दें। आप देख सकते हैं अभी से सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये सब्जी बनकर भी बहुत अच्छी टेस्टी रेडी होती है। आप इसको टेस्ट करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी हमने यहाँ पर मटर भी ऐड कर दी है। यहाँ पर मटर ऐड करने के बाद फिर से हम इन सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे। तो हमें अपनी सारी सब्जियों को यहाँ मिक्स कर लेना है। और इस सब्जी को मसाले के साथ फिर से भूनना है। इसको आप जितना ज़्यादा भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ज़्यादा इन्हेंस होता है। भूनने से सब्जी का टेस्ट इन्हांस होता चला जाए। अब हमारी सब्जी हल्की सी भुन गई है तो हम इसमें 1/4 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसमें सिर्फ हल्का सा पानी डालना है ताकि इसमें स्टीम जाए और हमारी सब्जी नीचे लगेगी भी नहीं। ये ड्राई ही बनेगी, ये ग्रेवी की नहीं बनती है क्योंकि इसका वाटर इवेपोरेट होता है और इससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। इसमें सिर्फ हल्का सा पानी डालें और फिर सारी सब्जियों को मिक्स कर दें। एंड देन इसके बाद बस अब हमें इसको कवर करके रख देना है। हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है, मीडियम से लो, और इसको अब हमें ढककर छोड़ देना है। इसको कम से कम 10 मिनट तक हमें पकाना है। तो हमारी सब्जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने बीच में खोल के देख लिया है तो ये सब्जी पक चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके लिए, ताकि इसमें और अच्छी खुशबू आए और टेस्ट भी इसका बढ़े, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको फिर से हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि हरे धनिया की पूरी खुशबू इस सब्जी के अंदर चली जाए और हमारी सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमने फिर मिनट कवर करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्व करके दिखाते हैं। तो मैंने ये सर्व कर लिया है प्लेट में, पराठे के साथ या रोटी के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे। साथ में थोड़ा सा दही का रायता। और ये हमारी आलू गोभी मटर की ड्राई सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल